Hello and welcome back. As you know that we are discussing Nation Criticism by Alexander Pope. So in today's video, we will discuss line number 30 to 59, because in our previous video, we have discussed line number 1 to 29. So in today's video, we will discuss line number 30 to 59. Okay. So subscribe to the channel so that as we upload our next video from line number 60 and onward, so you can receive instant notification. Okay, let's proceed further. So in line number 30, Pope says, each burn alike who can and cannot write, or with the rivals or unique spite. Okay, now there are some things to understand. First of all, Pope says each. Okay. Now, who are these each? Each means dono. Dono kon? Poet and critic. So, Pope says each burns alike. Dono ek hi tarah jalte hain. Theek hai? Burns, jalna, alike, ek hi tarah. Wo dono ek hi tarah jalte hain. Kon? Poet, jo creative writers hain, aur critics. Theek hai? Jo hamare evaluators hain. Who can or cannot write, जो लिख सकते हैं, लिख सकते कौन है, जो creative poets हैं, और जो लिख नहीं सकते, कौन नहीं लिख सकते, जो false critics हैं, ठीक है, जो pretend to be good writer, जो good writer बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिख नहीं सकते, और with the rivals, rival क्या होता है, जो हमारा opponent हो, ठीक है, और with the rivals, और unique, unique क्या होता है, unique जो female होते हैं, जो हिजड़े होते हैं, ठीक है, जो ना मर्द होते हैं, ना औरत होते हैं, स्पाइट, ठीक है, उनकी तरह असर करते हैं या जलते हैं. अब ये इसकी मीनिंग हो गई इस लाइन की. अब हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली पोप हमें कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, व्हाट एक्चुअली पोप वांट टू से अस हियर इन दिस लाइन. ओके, ईच बर्न अलाइक, ईच बर्न अलाइक, तो ये जो लाइन है ना, ईच बर्न अलाइक, ये दो एस्पेक्ट्स को इंडिकेट करती है, ठीक है. अब पोप एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि जो गुड एंड बैड राइटर्स हैं ना, वो दोनों एक ही तरह जलते हैं, ठीक है, गुड राइटर और बैड राइटर्स, जो क्रिएटिव राइटर होते हैं और जो फाल्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो दोनों एक ही तरह जलते हैं. कैसे? क्योंकि कुछ परफेक्ट और आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए ना, लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी एनर्जी जो है हमें उसे बर्न करना पड़ता है, ठीक है, अपनी एनर्जी ज़ाया करनी पड़ती है, हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है कुछ क्रिएटिव लिखने में, हमें फोकस करना पड़ता है कीनली, बहुत अच्छे से हमें फोकस करना पड़ता है अपनी राइटिंग पर, अपने पीस पर, ठीक है, हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, हमें अपनी जो मिरेकुलस स्किल्स हैं उन्हें यूज करना पड़ता है, हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और जो डूइंग हार्ड वर्क है हमारा, जो हार्ड वर्क हम करते हैं, वो कोई ईजी टास्क तो नहीं है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी एनर्जी को बर्न करना पड़ता है, और हमें हर ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ता है, फिर जाकर हम एक परफेक्ट वर्क लिखते हैं. तो जो क्रिएटिव राइटर है ना, वो इस सेंस में जलते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी जलती है. लेकिन जो बैड राइटर्स हैं, वो कैसे जलते हैं, जो बैड राइटर्स है ना, मींस ऑन द अदर हैंड, बर्न पैराडॉक्सिकली इंडिकेट्स, ये जो वर्ड है ना बर्न, ये पैराडॉक्सिकली इंडिकेट करता है किसको, जो बैड राइटर्स हैं, ठीक है, जो जेलियसी फैक्टर है उनमें. ओके, क्योंकि जो बैड राइटर होता है उसे यह तो पता नहीं होता कि अच्छा कैसे लिखना है, और ना ही वो इस लायक होता है अच्छे लिखने के. तो जब वो अच्छे लिखे हुए वर्क्स को देखता है और अपने एंशियंट मास्टर को देखता है, तो तब क्या करता है, तब वो क्या होता है, जेलेस होता है अंदर से, ठीक है, जैसे एक ओपोनेंट, एक राइवल जेलेस होता है, एक ओपोनेंट बंदा होता है ना आपका, जैसे वो जेलेस होता है, ऐसे ही फिर वो जो होता है बैड राइटर, वो भी ऐसे ही जेलेस हो जाता है, ठीक है. ओके, सो इन नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 32 एंड 33, पोप सेज ऑल फूल्स, जो सब बेवकूफ हैं, ठीक है, हैव अ स्टिल एन इचिंग टू राइट एंड फैन वुड बी अपॉन द लाइफिंग साइड. अब यहाँ पे यह जो वर्ड है ना फूल्स, यह भी कुछ इंडिकेट कर रहा है यहाँ. ओके, ये फूल्स स्पेसिफिकली उन लोगों को कहा गया है कि जो एनीथिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ वो प्रॉपरली नहीं कर सकते, वो ना ही तो प्रॉपरली लिख सकते हैं,
अच्छी तरह, ठीक है, और ना ही वो प्रॉपरली जज कर सकते हैं, उन्हें फूल्स कहा गया है यहाँ पर, उन्हें पोप यहाँ पे फूल कह रहा है, ठीक है। तो वो जो फूल होते हैं ना, वो लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं, वो डिसगाइज करते हैं, ठीक है, बहरूपिया बन जाते हैं वो, और मीन्स वो अच्छे राइटर बनने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जब वो अच्छे राइटर बनने की कोशिश करते हैं तो तब होता क्या है, वो अच्छे राइटर बन तो नहीं सकते, वो इम्प्रॉपरली अच्छे राइटर बन जाते हैं, प्रॉपरली नहीं बनते ना, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्यूडो क्लासिकल्स बन जाते हैं ना वो। तो वो जब वो अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं तो वो फिर कुछ ऐसा लिख देते हैं जिनसे लोग उनका फन बनाते हैं, इनफैक्ट वो खुद ही अपना फन बना देते हैं ना अपने हाथों से। जैसे पीछे एक हमने लाइन पढ़ी थी ना, ए फूल माइट वन सेल्फ इन अलोन एक्सपोज, ठीक है, जो फूल होता है वो अपने आप को एक्सपोज कर ही देता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कह रहा है कि जो फूल होता है वो गुड राइटर की कॉपी करने करने में कुछ ऐसा लिख देता है जिसमें वो अपना ही फन बनवा बैठता है, अपना ही मजाक उड़वा बैठता है, ठीक है, ओके। क्योंकि जो पीपल होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये जो बंदा है, ये इसने एक इम्प्रॉपरली चीज़ लिखी हुई है कॉपी कर करके, और ये जिस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है वो चीज़ क्रिटिसाइज करने के लायक नहीं है, वो अप टू मार्क है, ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अच्छी चीज़ को क्रिटिसाइज करता जा रहा है, क्यों, क्योंकि राइवल्स, ठीक है, ओपोनेंट बना हुआ है, राइवल सस्पाइट, उसमें जेलेसी है, किस चीज़ की, राइवल की, इसलिए वो अच्छी चीज़ को भी क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो फिर लोग जो होते हैं वो उस चीज़ को पहचान लेते हैं, वो साफ साफ पता चल जाता है कि यह बंदा जेलेसी में ये सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो फिर भी वो जो बेड राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनकी जो लैक स्किल्स होती है ना, और जो उनका जेलेसी फैक्टर होता है, इस चीज़ की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हम गंदे राइटर हैं, हम बेड राइटर हैं, उन्हें यही लगता है कि लोग काम काम पर हंसते हैं, हम तो बहुत अच्छा लिखते हैं, ओके। तो इन लाइन नंबर 34 पोप सेज, वेट अ मिनट, यस, इफ माय वर्स, ओके, स्क्रिबल इन अपोलोस स्पाइट, 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 हसद जो हमने ऊपर देखा यहाँ पर, देयर आर हु जज स्टिल वर्स देन ही कैन राइट। अब ये चीज़ यहाँ पे ना समझने वाली है, ये मार्वियस कौन था, पहले सबसे हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि यह बंदा कौन था। ये पोइट था अगस्टन एज का, ठीक है, 1st सेंचुरी AD में, जो किंग अगस्टन की एज थी ना, उस एज का ये एक पोइट था। तो ये क्या करता था, अपोलो, जो गॉड अपोलो था, उससे इसकी जेलेसी थी, स्पाइट था इसका, और इसकी जो राइटिंग होती थी ना इस पोइट की, मार्वियस की, वो कैसी थी, ये बहुत लो स्टैंडर्ड का बंदा था, ठीक है, ये मैन ऑफ क्वालिटी नहीं था, ये एक ऐसा बेड राइटर ही बोर्न हुआ था, इसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं होती थी। तो पोप ने यहाँ पे इन लाइंस में क्या किया हुआ है, लाइन नंबर 34 और लाइन नंबर 35 में, इसने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया हुआ है, सेटराइज किया हुआ है उनको, पोइट्स को भी और क्रिटिक्स को, ठीक है, जजिस, जज कौन होते हैं, क्रिटिक, स्टिल वर्स देन ही कैन राइट, कौन राइट, मार्वियस, ठीक है। अब कहता है कि देर आर जज इज स्टिल वर्स, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि मावियस की तो बहुत गंदी राइटिंग्स थी, बहुत गंदा ये एक पोइट था, बहुत ही इसमें लैक ऑफ एबिलिटी थी, लैक ऑफ स्किल्स थी, लेकिन हमारी जो ये स्यूडो क्लासिकल एज है इसमें भी जजेस हैं, मीन्स क्रिटिक ऐसे हैं स्टिल वर्स, जो इससे भी गंदे हैं, देन ही कैन राइट, जितना वर्स, जितना बुरा ये मावियस लिखता था उसकी बुरी उनकी जजमेंट है, ठीक है। तो ही सेज दैट इट इज़ नॉट ओनली द पोइट ऑफ दिस एज हु कैन राइट वेल, बट सम पीपल आर क्रिटिक्स एंड देयर क्रिटिकल वैल्यूज आर सब स्टैंडर्ड विदाउट एनी क्वालिटी और एज लो और वर्स देन हिम, देयर क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो ऑफ लो स्टैंडर्ड्स। वो कहता है कि हमारे यहाँ एज में भी लो स्टैंडर्ड के क्रिटिक्स हैं, ठीक है, जिनका क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड का है, मावियस की भी राइटिंग से जिनका क्रिटिसिज्म गंदा है, ठीक है, ओके। इन लाइन नंबर 36
He says that some have at first for weeks. Okay. Some have at first for weeks. Then poets passed, turned into critics next, and proved plain fools at last. अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? अब यहाँ पे भी पोप की जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? वो है सेट्रिकल, ठीक है? So here Pope says that people who claim that they know each and everything and have all the knowledge and skills and understand all rules and regulations, they try and want to become a poet because at the time poets were people who got respect, fame, honor and importance from the society. Okay? तो ये लोग सिर्फ क्योंकि पहले जो पोइट्स होते थे ना वो उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में, फेम मिलती थी, इज्जत मिलती थी, तो इसलिए ये सारे लोग जो थे वो पोइट बनने की कोशिश करते थे. वो समझते थे हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास एबिलिटी है, हम पोइट बन सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो पीपल हैं इनमें इतने गट्स नहीं हैं, स्किल्स नहीं हैं, रियल जीनियस इनमें नहीं है, और जो रियल नॉलेज होती है वो इनमें नहीं है. तो ये जब पोइट बनने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो विट, इनकी जो अकल थी, इनकी जो समझने की सलाहियत थी, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, लूज कर दिया. ओके, दे लूज देयर विट्स, दे आर अनसक्सेसफुल पोइट, नॉट इवन एबल टू अप्रिशिएट. तो वो ऐसे पोइट हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते. ओके, इन लाइन नंबर 37 पोप सेज, देन दे ट्राई टू बिकम क्रिटिक्स एंड इवन देयर क्रिटिसिज्म वुड बी फेल्यूलर. ओके, देखो पोइट पास्ट, पहले उन्होंने पोइट बनने की कोशिश की लेकिन वो बन नहीं पाए. टर्न्ड क्रिटिक्स नेक्स्ट, फिर बाद में उन्होंने क्या बनने की कोशिश की, क्रिटिक्स, ठीक है. तो यहाँ पे भी ये क्या हुए, प्लेन फूल्स एट लास्ट, यहाँ पर भी ये फूल साबित हुए, ठीक है, मींस फेल्यूलर हो गए. यहाँ पर भी यहाँ पर भी वो फेल्यूलर प्रूव हो गए. जैसे वो पोइट नहीं बन सके वैसे वो क्रिटिक्स भी नहीं बन सके, ठीक है. बाय शिफ्टिंग हेयर एंड देयर दे बिकम फूल्स, they are the idiotic, a stupid kind of people because they claim without any gain. उनके पास होता कुछ नहीं है और वो claim करते फिरते हैं, दावे करते फिरते हैं, इसलिए वो fools हैं, ठीक है. ना वो critic हैं और ना वो poets हैं. वो कौन है, वो fools हैं. Pope उन्हें सिर्फ fool कह रहा है, ठीक है. आगे फिर इसी lines में Pope यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग जो हैं वो pseudo claimants हैं. ओके, सो वाट एवर दे क्लेम वुड बी एंड इन टू फेल्यूलर. जो भी वो बनने की कोशिश करते हैं वो दावा करते हैं कि हम पोइट्स हैं, वहाँ भी वो फेल हो जाते हैं. वो दावा करते हैं कि हम क्रिटिक हैं, वहाँ भी वो फूल साबित होते हैं. तो उनके पास जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वो कोशिश करते हैं, जो भी बनने की कोशिश करते हैं, तो वो एट द एंड फूल ही साबित होते हैं. फर्दर पोप सेज, सम नीदर कैन फॉर विट्स नोर क्रिटिक पास. ओके, As heavy mules are neither horse nor ass. ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो कि पोप का जो क्रिटिसिज्म है वो कितना ज्यादा एक हाई लेवल का क्रिटिसिज्म पोप कर रहे हैं. अब पोप यहाँ पे कहते हैं कि कुछ पीपल जो है ना वो विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल्स, उनके पास कोई क्वालिटी होती नहीं है इस प्रोफेशन के लिए, फॉर द प्रोफेशन ऑफ राइटर और द प्रोफेशन ऑफ क्रिटिक, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, नीदर फॉर विट्स, ना ही उनके पास विट होती है, ओके, ना ही उनके पास क्रिटिक्स बनने की कोई सलाहियत होती है. तो ऐसे लोगों को अब देखो पोप यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स इनके लिए यूज कर रहा है. अब पोप कहता है कि दे डिडंट बिलोंग फ्रॉम दिस फील्ड. ओके, वो इस फील्ड से उनका ताल्लुक ही नहीं होता, ना ही क्रिटिक का और ना ही राइटिंग का. फिर वो क्या होते हैं, वो म्यूल्स की तरह होते हैं. किन की तरह होते हैं, म्यूल्स. म्यूल्स आपको पता होगा क्या होता है, जब हॉर्स और एस इन दोनों का सेक्सुअल रिलेशन बनता है तो जो पैदा होने वाली एक क्वालिटी होती है उसे हम म्यूल्स कहते हैं. ओके, सो जो हॉर्स और एस, एस जो हमारे उसकी फीमेल होती है डोंकी की,
अब हॉर्स का जो फीमेल है वो अलग होती है, डोंकी की फीमेल अलग होती है, तो जब इन दोनों का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फिर जो पैदा होता है जो बच्चा उसे म्यूल कहा जाता है, ठीक है। वो ना ही हॉर्स होता है ना ही एस होता है। तो इसी तरह पोप इन्हें कह रहे हैं कि ना ही इन्हें लिखना आता है, ना ही ये पोइट्स हैं और ना ही ये क्रिटिक्स हैं, ये कोई थर्ड जनरेशन है, ठीक है। अब देखो कितनी कैसी एब्यूजिव लैंग्वेज टाइप लैंग्वेज जो है वो पोप यहाँ पे उनके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। पोप कंपेयर्स दैट स्यूडो क्लेमेंट विद म्यूल, ठीक है। ही सेज दैट म्यूल्स डिडंट बिलोंग टू एनी क्लास, नीदर दे आर हॉर्स नॉर एसिस। दोज पीपल आर ऑल्सो लाइक दैट, जो राइटर या क्रिटिक बनने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें एबिलिटी होती नहीं है, वो ना ही क्रिटिक होते हैं ना ही पोइट होते हैं। तो पोप कहते हैं वो भी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। ऐसी पार्टी है जो ना ही जनरेट कर सकती है कुछ, ना ही कुछ रिक्रिएट कर सकती है। वो सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ दूसरों के चीज़ों पर डिपेंड करती है और उन्हीं की चीज़ों से वो कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करती है जो इनसे वो आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो जो होते हैं हमारे स्यूडो क्लेमेंट्स वो क्या है, वो म्यूल्स हैं। पोप ने उन्हें म्यूल कहा क्योंकि वो ना ही होर से ना ही ऐसे, इसी तरह वो ना ही क्रिटिक है ना ही राइटर है, वो भी कोई थर्ड जनरेशन है, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे और भी ज्यादा एक जो सेटराइजिंग वर्ड्स थे ना वो पोप यूज कर रहा है लाइन नंबर 40 और 41 में। अब यहाँ पर पोप कह रहा है कि दोज हाफ लर्न्ड, सी हाफ लर्न्ड, अब कहता है कि वो जो हाफ लर्न्ड है जिनकी नॉलेज आधी होती है, वो कहते हैं ना हाफ लर्निंग इज अ सॉरी लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। और हमारे उर्दू में कहते हैं कि नीम मुल्ला खतरा है ईमान, नीम डॉक्टर खतरा है जान, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। सो पॉप यहाँ पे कह रहा है कि दोज हाफ लर्न्ड विटलिंग्स मेमोरियस इन अवर आइल, ये अवर आइल कौन है, आइल के यहाँ पे यूज कर रहा है इंग्लैंड के लिए, ठीक है। इंग्लैंड को कह रहा है, अपनी सरजमीन को कह रहा है। एज हाफ फॉर्म्ड इंसेप्ट्स, अब देखो इससे ज्यादा और सेटराइजिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं। अब उन्हें पोप कह रहा है हाफ फॉर्म्ड इंसेप्ट्स हाफ लर्न्ड विटलिंग्स, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ नाइल। सी कितनी ज्यादा सेटराइजिंग वर्ड्स एक पोप ने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। अब पोप यहाँ पे उन्हें कहता है कि ओके, यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो आइल है इसकी मीनिंग है इंग्लैंड, ठीक है। तो पोप यहाँ पे कहता है कि इंग्लैंड इज फिल्ड विद दिस टाइप ऑफ हाफ लर्न पीपल, हाफ लर्न जो ना ही पोइट्स हैं और ना ही क्रिटिक्स हैं, ठीक है, ना ही वो पोइट्स हैं और ना ही वो क्रिटिक्स हैं, वो हाफ लर्न है, वो पता नहीं क्या है, कौन सी क्वालिटी के हैं वो। पोप शो सो मच एग्जेजरेशन फॉर दोज पीपल एंड कंपेयर इट टू हाफ फॉर्म्ड इंसेक्ट्स, ठीक है, हाफ फॉर्म्ड इंसेक्ट की तरह पोप ने उन्हें कहा है। अनफिनिश्ड थिंग्स भी उन्हें आगे कहा है अगली लाइन में, हम आपको दिखाते हैं। हाफ फॉर्म्ड इंसेक्ट कौन से होते हैं, जैसे एग लार्वा होता है, ठीक है, प्यूपा होता है, ओके। मीन्स यहाँ पे वो कहने की ट्राई ये कर रहा है कि इनकी कोई भी कमांड नहीं होती है स्किल्स पर और ना ही नॉलेज पर, सो दे आर वेरी फार अवे फॉर बिकमिंग अ बटरफ्लाई, फार अवे टू बिकमिंग द शाइनिंग स्टार, दे आर नॉट इवन अ सिंगल स्टेप बिकमिंग अ गुड क्रिटिक और गुड राइटर। तो पोप कहता है कि ये हाफ फॉर्म्ड इंसेक्ट हैं जो बटरफ्लाई बनने से बहुत दूर हैं, क्योंकि बटरफ्लाई बनने के स्टेज होते हैं ना, पहले लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, तो ऐसे फिर जाके आगे बटरफ्लाई बनती है। तो कह रहा है कि जैसे हाफ फॉर्म्ड इंसेक्ट हमें रिवर नाइल बैंक जो किनारा है रिवर नाइल का वहां पर मिलते हैं, इसी तरह ये भी हाफ लर्न विटलिंग्स हैं, मीन्स बहुत ही ज्यादा नंबोरियस नंबर्स, ये बहुत ही ज्यादा नंबर्स में इन अवर आइल हमारे इंग्लैंड में, ठीक है। ओके सो लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन टू लाइन नंबर 42। अब देखो आगे वही उसी चीज़ को पोप ने कंटिन्यू किया है, अभी भी पोप को सुकून नहीं आया, अभी उनकी और बेइज्जती करनी है पोप ने, ठीक है। अनफिनिश्ड थिंग्स, अब देखो पोप उन्हें क्या कह रहा है कि ये लोग कौन है, ये अनफिनिश्ड थिंग्स हैं, वन नो नॉट वाट टू कॉल, अभी कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है किन्हें हम क्या कहें, मैं इनको किन वर्ड्स में मैं इनको बयान करूं, मैं इनके बारे में कौन से एब्यूजिव लैंग्वेज में इनके बारे में बयान करूं। देयर जनरेशन सो इकोवोकल, अब पोप उनकी जनरेशन को क्या कह रहा है, इकोवोकल, पता ही नहीं कौन सी जनरेशन है उनकी, पता ही नहीं वो कौन सी क्वालिटी कौन सी चीज़ से वो बिलोंग करते हैं, ओके। अब देखो पोप ने यहाँ पे कितने इंसर्टिंग वर्ड यूज किए हैं उनके लिए, पहले उन्हें म्यूल कहा, फिर उन्हें हाफ लर्न्ड कहा,
फिर उन्हें हाफ फॉर्म्ड कहा, फिर उन्हें इको वोकल कह दिया। ठीक है, तो पॉप के कहने का यही मतलब है कि वो ये जो जनरेशन है ना बहुत कंफ्यूज है, इतने कंफ्यूज है कि वन नोज नॉट व्हाट टू कॉल, इतनी कंफ्यूज कर देती है, हमें समझ ही नहीं आती हम इनको क्या कहें यार, कौन से वर्ड्स में हम इनकी बेइज्जती करें। ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू मेक अ डिसीजन, उन्हें पता ही नहीं होता फैसला कैसे करना है, लिखना कैसे है, हमने राइटर बनना है या हमने क्रिटिक बनना है, वो बहुत ही कंफ्यूजन बनने होते हैं। ओके, सो फर्दर पॉप इन लाइन नंबर 44 सेज टू टेल देम वुड 100 टंग रिक्वायर। आप देखो फिर आगे कहते हैं, अगर उन्हें हमने समझाना हो ना तो हमें कितनी टंग्स चाहिए, हमारी कितनी जुबानें होनी चाहिए, 100 टंग्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मीन्स उन्हें समझाना पॉसिबल ही नहीं है। और वन वैन विट्स दैट माइट 100 टायर, या फिर एक ऐसी विट होनी चाहिए जिसके पास 100 टायर हो, ठीक है, जो 100 लोगों को मुंह दे सके। ओके, तो पोप अब इन लाइन में भी ना अनहैप्पी है। ठीक है, अब वो यही सोच रहा है कि मैं अब कौन से वर्ड्स उनके लिए यूज करूँ यार। तो फिर आगे कहता है कि हमें 100 पीपल या फिर 100 टंग, 100 जुबानें चाहिए, या फिर हमें एक वन जीनियस पोइट चाहिए, ठीक है, और वन वैन स्वीट, एक हमें जीनियस पोइट चाहिए जो क्या कर सके, जो इनको समझा सके, इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ठीक है, जो ड्रामेटिस्ट हो, जो क्रिटिक हो, ओके, हु विल टायर दोज पीपल, जो क्या कर सके, उन पीपल्स को टायर कर सके, उनको थका सके, कौन से पीपल को, जिनको समझाने के लिए हमें 100 टंग्स चाहिए, जो अनफिनिश्ड थिंग्स हैं, जो म्यूल्स हैं, जो हाफ लर्न्ड हैं, जो इक्वोकल हैं। ठीक है, ऐसे पीपल्स को वो क्या कर सके, वो टायर कर सके। ओके, और उन पीपल्स को वो बीट कर सके, ओके, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी औकात क्या है। तो पॉप कह रहा है हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए। ओके, सो इन लाइन नंबर 46 पॉप सेज, बट यू हु सीक टू गिव एंड मेरिट फेम एंड जस्टली बियर अ क्रिटिक्स नोबल नेम। अब पॉप यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉप कह रहा है कि बट यू, ओके, नाउ पॉप पर्टिकुलरली एड्रेस टू रियल क्रिटिक्स हु सीक टू गिव एंड मेरिट फेम। ठीक है, जिन्होंने अपनी फेम मेरिट पे हासिल की है, जिनकी फेम में कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है, मेरिट पे आए हैं जो लोग, जिन्होंने हमेशा क्या करने की कोशिश की है, ट्राइज टू ऑनर मेरिट्स। ठीक है, जिन्होंने मेरिट को हमेशा ऑनर दिया है, रिस्पेक्ट दी है, जो हमेशा बायस्ड फ्री होकर काम करते हैं, एक वर्क को इवेल्यूएट करते हैं, वो कोई जेलेसी नहीं रखते, एंड जस्टली बियर अ क्रिटिक्स नोबल नेम। क्रिटिक के नाम को पॉप नोबल नेम कह रहा है। ठीक है, अब पॉप यहाँ पे उन्हें कह रहा है कि योर पॉपुलैरिटी इज बिकॉज ऑफ योर मेरिट्स। ठीक है, वो जो नोबल है ना, वो जो इतने पॉपुलर है, वो सिर्फ उनकी मेरिट की वजह से, जो वो मेरिट को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बायस्ड फ्री होकर वो काम करते हैं। ट्राई टू सेव इट, उनको कह रहा है कि आप अपनी जो मेरिट है ना उसे सेव करो। यू आर कॉल्ड क्रिटिक्स व्हिच इज वेरी रिस्पेक्टेबल नेम, एक बहुत नोबल नाम है, बहुत नोबल टाइटल है, तो अब आप अपने इस टाइटल की रिस्पेक्ट करना, मतलब खुद को खराब नहीं कर लेना, बायस्ड फ्री रहना हमेशा, जेलेसी में आकर खुद को खराब नहीं कर लेना, अपना तमाशा नहीं बनवा लेना लोगों के हाथों। तो जो रियल हैं हमारे क्रिटिक्स, अब यहाँ पे पोप ने उनको एड्रेस किया है, उनसे बात की है, उनको मुखातिब किया है पोप ने। अब इन लाइन नंबर 48 पोप सेज दैट बी श्योर योर सेल्फ एंड योर ओन रीच टू नो हाउ फार योर जीनियस टेस्ट एंड लर्निंग गो। अब देखो नो गो, यहाँ पर भी एक राइमिंग स्कीम हमारी वही चल रही है। तो पॉप क्या है, वो उसने अब यहाँ पे क्रिटिक्स को रिक्वेस्ट की है कि अपने आप को पहचानो, बी श्योर योर सेल्फ, अपने आप को जानो, एंड योर ओन रीच टू नो। ठीक है, ओन रीच टू नो मीन्स व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर ड्यूटी, नो योर सेल्फ, व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी जॉब है, वो ही करो आप। ओके, आगे कह रहा है कि आपको अपनी जो लिमिट्स है ना, आपको वो जानने की ज़रूरत है, अपने आप को इन्हांस करो, अपने आप में प्रोग्रेस लेकर आओ। क्यों? क्योंकि एज अ क्रिटिक यू हैव अ स्प्लेंडेड नॉलेज, हाउ फार यू आर जीनियस, आप जीनियस हो। ओके, लर्निंग है आपके पास,
आपके पास टेस्ट है, क्यों? क्योंकि एज अ क्रिटिक उनके पास स्प्लेंडेड नॉलेज है ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट यू कैन अवेल्यूएट इन राइट मैनर्स बाय यूजिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप जीनियस हो, आपको तो हर चीज की पता है ना, तो आप हर बुक को टेस्ट कर सकते हो, अवेल्यूएट कर सकते हो अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई करके, ठीक है। तो ये कहता है कि इट्स ओके, यू कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स बट ट्राई टू एक्सेप्ट देम। आप लोग भी गलतियां कर सकते हो ना, जैसे वो जो फॉल्स क्रिटिक्स हैं वो तो गलतियां करके मानते ही नहीं, लेकिन आप अच्छे क्रिटिक्स हो, आप गलतियां जब कर लेते हो आप उन्हें मान लिया करो, क्योंकि आपका जो टाइटल है ना क्रिटिक, ये एक बहुत नोबल टाइटल है और आपको इस टाइटल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे मुंह उठाकर हर किसी के वर्क को एवेल्यूएट करने नहीं बैठ जाया करो, जिसमें गलतियां होती हैं सिर्फ उसी में गलतियां निकाला करो। आगे इन लाइन नंबर 50 में पॉप कहता है, लाउंच नॉट बियॉन्ड योर डेप्थ। सी, लाउंच नॉट बियॉन्ड योर डेप्थ बट बी डिस्क्रीट एंड मार्क दैट पॉइंट वेयर सेंस एंड डलनेस मीट। देखो लाइन नंबर 50 में कह रहा है कि आपकी जो डेप्थ है, डेप्थ मीन्स आपकी जो लिमिट है, ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट यू हैव टू क्रिटिक यूर सेल्फ। सबसे पहले तो आप अपने आप को जानो, आप में कितनी लिमिट है, ठीक है, और आप अपनी डेप्थ उसके बियॉन्ड नहीं जाओ, जितनी आपको नॉलेज है ना उस नॉलेज के बियॉन्ड नहीं जाओ, उसके आगे नहीं जाओ, जितनी नॉलेज है बस उतना काम करो। यानी शौकी मारने की कोशिश नहीं करनी कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवेल्यूएट कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ पे बकायदा उन्हें मना कर रहा है पोप, ठीक है। यू विल बी एबल टू जज एवरीथिंग क्लियरली एंड परफेक्टली। अब कहते हैं जितनी आपके पास नॉलेज है ना उससे काम लो, तो आप हर चीज़ को अच्छे से परफेक्टली आप हर चीज़ को जज कर सकोगे। ओके, पोप कह रहा है कि आप लोगों को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को ट्रांसक्राइब करोगे ना बियॉन्ड योर लिमिट्स, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डल। जब आप अपनी लिमिट से बाहर जाओगे तब आप डल बन जाओगे, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका वर्क जो है ना वो बोरिंग बन जाएगा, या फिर वो डिसप्लीजिंग बन जाएगा एंड इवन अनएक्सेप्टेबल, या यहाँ तक बन जाएगा कि कोई उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपके वर्क को। तो वो कह रहा है कि आप एक गुड क्रिटिक बनो, यू मस्ट हैव टू नो द पॉइंट ऑफ डिसप्लेजर एंड अनएक्सेप्टेबिलिटी। आपको एंड मार्क दैट पॉइंट, आपको उस पॉइंट का पता होना चाहिए जहाँ पर वेयर सेंस डलनेस मीट, जहाँ पर आप जाओगे तो आपको बेइज्जत कर दिया जाएगा, आप जहाँ पर जाकर आपको कोई भी नोबल फेम नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप उस पॉइंट से थोड़ा दूर रहो, और जितनी आपको नॉलेज है ना बस अपनी नॉलेज के मुताबिक आप काम करो। अब इन लाइन नंबर 52, नेचर टू ऑल थिंग्स फिक्स्ड लिमिट्स फिट। अब कहता है कि जो नेचर है उसने ऑल थिंग्स सब चीज़ों की क्या कर दी है, फिक्स कर दी है, क्या चीज़, लिमिट्स को नेचर ने फिट कर दिया है। यहाँ पर भी बता रहे हैं ना कि आपकी जितनी कैपेसिटी है वहाँ उतनी कैपेसिटी में रहो, उससे आगे नहीं जाओ, ओके, एंड वाइजली कर्व प्राउड मैन प्रिटेंडिंग विट। ओके, विट जो है सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ये जो नेचर पॉप ने यूज किया है ना, यहाँ पर एक्चुअली पॉप इंप्लाइज नॉट वेजिटेशन और ह्यूमन नेचर बट दैट व्हिच हैज बीन डिपिक्टेड टू फ्लॉलेसनेस बाय द क्लासिकल क्रिएटर्स होमर एंड वर्जाइल। ठीक है, जो होमर एंड वर्जाइल ने नेचर को जैसे यूज किया है ना वैसे ही पॉप ने यहाँ पे यूज किया है। तो एक्चुअली पॉप सेज दैट नेचर हैज गिवन ऑल ऑफ अस सम क्वालिटीज, ओके, लेकिन वो क्वालिटीज हर बंदे में एक जैसी नहीं है, हमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी हैं। इन सम केस दीज क्वालिटीज सप्रेस्ड एंड सम अदर केसेस ओवररेस्ट, किसी में तो कम होती हैं किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं वो क्वालिटीज, लेकिन उन क्वालिटीज़ की कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है, वो सब जो क्वालिटीज़ होती हैं ना वो डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं और उन सब क्वालिटीज़ की एक लिमिट होती है। तो जो आइडिया ऑफ लिमिटेशन ऑफ दिस क्वालिटी है, मीन्स जैसे जीनियस है, स्किल्स हैं, ये सब ये एक कॉमन चीज़ है इन हम सब में, ठीक है, इन ऑल ऑफ अस, हम सब में ये कॉमन चीज़, हम सब में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिट होती है जो नेचर ने फिक्स की हुई है।
तो पॉप कह रहा है कि मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट लिमिट्स, ओनली देन नेचर परफॉर्म एक्यूरेटली, अदरवाइज देयर विल बी क्योस और डिस्ट्रैक्शन एंड कन्फ्यूजन। अपनी नेचर के मुताबिक जितनी आपकी कैपेबिलिटी है ना, जितनी आप में सलाहियत है उसके मुताबिक काम करो, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप लोगों को फिर हाफ फॉर्म्ड इंसेक्ट कह दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपके आप कौन सी जनरेशन की हो। अब वो फिर आगे कह रहा है कि इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, ओके, जैसे कि नेचर के कुछ रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को पता रखना चाहिए। फिर आगे पोप यहाँ पे बता रहा है कि जो रियल क्रिटिक्स हैं ना, वो क्या करते हैं, जो वाइजली होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक्चुअली जेन्युइन होती है अपने प्रोफेशन की और जिनको इंटरेस्ट होता है अपने प्रोफेशन में, अपने क्रिटिक के प्रोफेशन में, तो वो जो ट्रू पीपल होते हैं हैव कंट्रोल दोस स्यूडो क्लेम्स, ठीक है, और वो अपने झूठे जो कंट्रोल होते दावे होते हैं ना, उन पर वो कंट्रोल करते हैं, ओके, इफ दे रोट समथिंग देन दे हैव टू प्रिवेंट इट, सिंपल। तो पोप कहता है कि आप लोगों को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा काम कर सकते हो, ये क्रिटिक्स को कह रहा है पोप, ओके। ओके, अब ये जो हमारी लाइंस हैं यहाँ पर, अब देखो पोप कितने अच्छे से हमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, एज ऑन द लैंड वाइल हेयर द ओशन गेंस ऑन द लैंड। अब कह रहे हैं कि जैसे जमीन पर क्या है, ओशन दरिया जो होता है, समुद्र जो होता है, इन अदर पार्ट्स इट लीव्स वाइड एंड सैंडी प्लेन्स, ठीक है, अब ये प्लेन्स और गेंस यहाँ पर यह भी एक राइमिंग स्कीम बन रही है। तो पॉप यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है ओशन की, ठीक है, जैसे एक वाइड ओशन होता है, वो ओशन भी, वो समुंदर भी अपनी लिमिटेशंस को जानता है, ओके, यहाँ पे पॉप कह रहा है कि इफ वाटर मूव्स फर्दर इट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब भी पानी चलता है ना, पानी ने अपना एक रास्ता बनाया होता है, वो उस रास्ते में चलता है, ठीक है, उसने अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना होता है, तो फिर जब पानी वहां से सूख जाता है फिर वहां पे क्या रहता है, सैंडी प्लेन्स, सिर्फ सैंड वहां पे रह जाती है, जो रेत होती है वो वहां पे रह जाती है, ओके। तो पॉप का ये एग्जांपल देने का मतलब यही है कि हर किसी को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, जैसे पानी तक को अपनी लिमिट का पता है जो नेचर ने उसकी लिमिट्स रखी हुई है। आगे पॉप कहता है कि थस इसीलिए, ठीक है, इन द सोयल वाइल मेमरी प्रिवेल्स द सॉलिड पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग फेल्स। अब देखो प्रिवेल्स एंड फेल्स, ये भी यहाँ पर एक टाइमिंग स्कीम हो गई। अब देखो यहाँ पे टू पावर ऑफ मैन का जिक्र किया गया है, कौन सी, मेमरी, ये भी इंसान की पावर है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग, समझना, ये भी किसकी पावर है, इंसान की एक पावर है। एक्चुअली पॉप यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, तो पॉप कहना चाह रहा है कि जो जेन्युइन जजमेंट होती है ना हमारी, उसे रियून कौन करता है, उसे तबाह कौन करता है, उसे ये प्राइड एंड ब्लेमिश्ड लर्निंग, जिस लर्निंग पे हमें प्राउड हो जाते हैं ना, हमें फ़ख्र हो जाता है, वो फिर हमारी जो सॉलिड पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उसे क्या करती है, उसे फेल कर देती है, ठीक है, हम फिर वहाँ पे फेल हो जाते हैं, ओके। फर्दर लाइन्स पे जाते हैं फिर हम इन्हें साथ में एक्सप्लेन करते हैं, वेयर बीम्स ऑफ वार्म इमेजिनेशन प्ले, वेयर बीम्स ऑफ वार्म इमेजिनेशन प्ले द मेमरीज ऑफ फिगर्स मेल्ट अवे। अब इन चारों लाइनों में पॉप एक्चुअली हमें वही बताने की कोशिश करे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रहा था, मेमरी एंड अंडरस्टैंडिंग का, जब हमें प्राइड आ जाते हैं तो हमारी फिर जो वो मेमरी होती है वो क्या होती है, वो फिर हमारी फेल होना शुरू हो जाती है, ओके। सो जो पोअर क्रिटिक्स होते हैं ना, ठीक है, अब उनकी मेमोरी को क्या मसला होता है, जो पोअर क्रिटिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं मेमोरी पर, ओके, इसलिए क्या होते हैं, मेमोरी डिस्करेज कर देती है उनका कंट्रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वार्म इमेजिनेशन प्ले, बीम्स ऑफ वार्म इमेजिनेशन, वो बहुत ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन पर रिलाई करते हैं जो पोअर क्रिटिक्स होती है, फिर क्या होता है, जो उनकी मेमोरी सॉफ्ट फिगर्स मेल्ट अवे हो जाता है उनका, ठीक है, इसी तरह इसी वजह से वो क्या बन जाते हैं, वो पुअर क्रिटिक बन जाते हैं, ठीक है, ओके। सो
So, a great pandit must be well pursued with the classics, but he must not depend excessively in his memory. तो पॉप का यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें जो क्लासिक राइटर्स हैं हमें उनके साथ एक हमारा रिश्ता होना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेमोरी पर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेमोरी सॉफ्ट फिगर्स मेल्ट अवे, मेमोरी जो सॉफ्ट फिगर्स होते हैं ना उन्हें क्या करती है, मेल्ट अवे, उन्हें पिघला कर छोड़ देती है. ठीक है, इफ़ यू डिसएग्री विद अवर लाइन एक्सप्लेनेशन, अगर किसी की आपको लगता है कि लाइन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी वो गलतियां भी निकाल सकते हैं. यू आर मस्ट वेलकम, क्योंकि हम सब लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल लिटरेचर के स्टूडेंट के अलावा कोई और विजिट करेगा ही नहीं. ओके, तो हम सब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है. ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी. तो मैं नहीं कहता कि मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट है, मैं बहुत सही से बता रहा हूँ, सही से समझा रहा हूँ, कहीं मैं गलत भी होऊंगा. आप लोग अच्छे से, जैसे कि लिटरेचर का स्टूडेंट दूसरे को करेक्ट करता है, वैसे हमें करेक्ट कीजिएगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में उन चीज़ों को सही कर देंगे. ठीक है, सो सब्सक्राइब टू द चैनल, और हम नेक्स्ट वीडियो में लाइन नंबर 60 to 89 तक एक्सप्लेनेशंस लेकर आएंगे. ओके, बिहेव विद अस टिल देन, थैंक यू, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़.